तो आज हम लोग कैनरा बैंक जमात जमहूरिया में गाइड यूनुस खान साहब के प्रोग्राम में मौजूद है। जिस तरह से गाइड भाई का पहली इफ्तारी का रमजान का प्रोग्राम चल रहा है, आज यहाँ पर एक शख्सियत फिल्मी स्टार असलम बख्शी जी यहाँ पर मौजूद है और जो काफी कॉमेडी सीन्स वगैरह में आए आज, और साथ में सनी रायशंकर जी और शहजाद खान साहब है यहाँ पर और शाकिब कुरैशी साहब भी। तो मैं पहले सबसे पहले बख्शी साहब से पूछना चाहूंगा, सर आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे आपको इंतजाम वगैरह दिखा? सबसे पहले तो मैं आदाब कहूँगी और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को देखिए रात है आज माशाल्लाह मुबारक रात है और माशाल्लाह इस हिसाब से जाहिद भाई ने ये ऑर्गेनाइज किया और शुक्रगुजारों के उन्होंने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा और बहुत ही अट्रैक्टिव माहौल है यहाँ पे पॉजिटिव और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इस रमजान की मुबारक महीने में ऐसी जगह पे आने के। पूरे बैंकड़ा में माशाल्लाह बहुत पूरे मुंबई में इसके रमजान मुहूर्त पहले के शहर में इतना जो बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है इसका प्रोग्राम पूरे मुंबई में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में इतना बेहतरीन प्रोग्राम और 5,000 लोगों को राशन प्रोवाइड हो रहा है माशाल्लाह, गरीब लोगों को बीमा लोग नमकीन लोगों को बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। पूरे तीस दिन पूरे बैंकड़ा में रोशनी है, पूरे 30 दिन ये आशीर्वाद है और यहाँ पे काफी बड़े बड़े स्टार्स है और काफी बड़े बड़े फिल्मी स्टार्स है, पॉलिटिकल लोग है, काफी लोग आके गए और काफी अच्छी जगह बनाई गई माशाल्लाह। ये कहूँगा लाइटों को जानता है आने वाले साल में इंशाल्लाह इससे बेहतर से बेहतर और बेहतर करेंगे, आने वाले साल में आप ये शानिया में इसे पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक करें और लोगों को इंशाल्लाह ये हमारी 5,000 लोगों तक पहुँचे, आने वाले साल में आप 10,000 लोगों तक पहुँचे इंशाल्लाह। शहजाद खान साहब यहाँ पे मौजूद है, बिजनेसमैन है, काफी मशहूर इंसान है बैंड्रा वेस्ट के, तो मैं शहजाद भाई के पूछने लगा भाई आप क्या बोलना चाहिए खानदान के बारे में और जिस तरह से आप भी यहाँ पर ही रहते हो और जिस तरह से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सबको रमजान मुबारक देता हूँ। यहाँ ये बैंड्रा की जो एक शान बनी हुई है शामियाने की, ये सबसे पहले स्टडी करने वाले जो है वो जाहिद खान है और इस जगह के ऊपर इन्होंने जो चीज आज नजर आई है काफी निवासियों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, बहुत लोग खुशियाँ मनाते हैं यहाँ पे। तो आज इसका रमजान जो है एक महसूस होता है तो यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था, आज ये जाहिद खान की वजह से जो यहाँ पे एक रौनक आई हुई है अल्लाह इसको हमेशा के लिए कायम करे। आज इतनी बड़ी रात है, इन्होंने यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम रखे जिसके बारे में हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता जो थे कभी वो सोच भी ना पाए, उन्होंने ये काम ऐसा तक प्रचार करके दिखा दी। आज यहाँ पे कम से कम 3,000 से 5,000 लोगों का राशन बांटना ये कभी किसी ने नहीं कर पाया है और इस तरीके से रौनक हमारी आज रमजान की जो चली है ये भी किसी ने आज तक ही नहीं कर पाया। तो आज जो अल्लाह पाक ने जो जाहिद खान की जो शान बनाए है अल्लाह इसको बरकरार रखे और हम जाहिद खान के साथ ही। मैं जरा जाहिद खान साहब से पूछना चाहूँगा, सर आप क्या बोलना चाहिए जिस तरह से अच्छा बख्शी साहब आपसे मिलने के आए खास तौर पे और इस मौके पर? मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुफ्ती साहब अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे शामियाने में आकर मेरे शामियाने की रौनक से बहुत बड़ा, साथ ही साथ हमारे यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन कभी रायचू भाई ने भी शामियाने की रौनक बढ़ा दी आके और उनके साथ हमारे यहाँ के बड़े इंस्टीट्यूट शहजाद खान साहब वो भी आए आज और पाकन ये तीनों लोग एक ही समय में आए तो बैठना उठना रहना खाना ये सबसे जरूरी है, मगर इन लोगों का प्यार है अपने घर को छोड़कर अपने इलाके को छोड़कर आज इन्होंने कीमती वक्त मुझे दिया ताकि रमजान का माहौल कैसा होना चाहिए, किस तरह से लोगों से मिलना चाहिए, दिन में रोजा रखना चाहिए, इबादत करना चाहिए, रोजा खोलने के बाद तरावीह की नमाज पढ़ना चाहिए और शाम में जो थोड़ा टाइम मिले तो अपने जान पहचान वालों से मिलकर
रमजान की खुशियाँ बांटने के लिए ये शामियाना बना। तो शामियाना में कई लोग आए, कई सेलिब्रिटी आए, कई अच्छे अच्छे लोग आके गए और सब लोगों ने यही कहा है कि भाई ये शामियाना बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और 13 साल से शामियाना लग रहा है। उसी तरह असलम बख्शी साहब ने जो कहा है, मैं उनको शुक्र गुजार करता हूँ कि असलम बख्शी साहब ने मेरी तारीफ में इतने अच्छे अच्छे शब्द निकाले, समीर भाई ने मेरी तारीफ में इतने अच्छे शब्द निकाले, शहजाद भाई ने मेरी तारीफ, क्योंकि ये खुद ही अच्छे है, जो खुद अच्छा होता है और दूसरों के सामने कभी भी अच्छी बात करते हैं, ये इनका बढ़तपन है। और मैं इन तीनों भाइयों से ये उम्मीद करूँगा कि हर साल जब ये शामियाने लगेगा तो आपको दिन बुलाए आना पड़ेगा और इस शामियाने की रौनक को बढ़ाना पड़ेगा। क्या आप लोगों के आने से ऐसे कई शामियाने मुंबई में लगने लगेंगे और शामियाने लगने से क्या होगा, मुस्लिम इलाकों में लाइटिंग लगेंगी, मुस्लिम इलाकों में गेट टूगेदर होंगे, अच्छी बातें होंगी, जान पहचान होंगी, ताल्लुकात बढ़ेंगे। इंशाल्लाह बस हुआ ये है कि अल्लाह पाक इसी तरह ये सफर को हर साल कामयाब करते रहे। मैं अपने दोस्तों को जिस तरह से असलम बख्शी साहब ने जिस तरह से बताया मेरे को एक वीडियो बना के लिए, बोले कि मैं मेरे फिल्म स्टार दोस्तों को, जॉनी लीवर साहब को और जितने भी मेरे साथ के जो काम करने वाले, मैं सबको बताऊंगा ये कि मैं राइट खान साहब से मिल के आया। तो मैंने भी जिसका पूछा उनको, क्या बोले कि ना मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो वो बोले कि मैं राइट खान साहब के बाकी में बैठ के इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो मैं भी सभी को राइट खान साहब को सही दिल से थैंक यू करता हूँ कि हमारे को बहुत दिया, हमारे